हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम आपके लिए हिंदी की पुस्तक आरोह भाग एक, उसका जो एक पाठ हम पहले कर चुके हैं, जीवन परिचय दो तीन हम कर चुके हैं, तो आज पाठ है हमारा अप्पू के साथ 2.5 साल। तो इस पाठ में जो लेखक है सत्यजीत राय, उसने एक फिल्म निर्माण में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उन सब का वर्णन किया है कि कैसे हम किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं और किस तरह से फिल्म में जो अनेक तरह के प्रयोग किए गए हैं उनसे दर्शक है वो अनजान रहते हैं। तो लेखक बताना चाहता है कि वो इतने अमीर नहीं थे कि अपने फिल्म का जो निर्माण है वो कंटिन्यू कर सके, तो वो एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे, जो पैसा जमा होता कुछ दिन बाद फिर शूटिंग करते। फिल्म में एक तो पैसे की बड़ी समस्या थी, दूसरा जो उसमें भाग लेने वाले करेक्टर्स थे जिसमें एक छोटे बच्चे का करेक्टर था उसमें बड़ी समस्या आती है, उसके अलावा एक जो बूढ़ी औरत थी और एक स्थान पर बताया गया है कुत्ते के बारे में कि किस तरह से जो कुत्ता फिल्म में लिया गया था कुछ दिन बाद वो मर जाता है, उसके स्थान पर दूसरा कुत्ता प्रयोग किया जाता है। चुन्नी बाला नाम की जो औरत थी किस तरह से वो इतनी बूढ़ी थी कि कभी भी वो सड़क से धार सकती थी, तो इन परेशानियों के बाद कवि ने किस तरह से फिल्म का निर्माण किया वो इसमें दर्शाया गया है। पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी, कालखंड यानी समय। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था, नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित करनी पड़ती थी यानी रोक देनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार एक इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ, विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया यानी विज्ञापन छपवाया। राम बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था यानी किराए पर। वहां पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवाकर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है, अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। तो लेखक बताना चाहता है कि किस तरह से बच्चे के रोल के लिए बड़ी परेशानी थी, उस रोल के लिए बच्चा नहीं मिल रहा था, अनेक बच्चों का जो ऑडिशन लिया जाता है। तो आगे है, विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पंचाले में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है, इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी वाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। तो यहाँ लेखक अपना जो
सौभाग्य समझता है कि किस तरह से बच्चे भी उतने ज़्यादा नहीं बढ़े कि उस आयु में जितने बच्चे बढ़ते हैं, और दूसरी तरफ जो चुन्नी वाला थी जो 80 साल की थी कि वो भी 2.5 साल तक काम कर सकी, ये भी उनका सौभाग्य था। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसेट नाम के एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया, यानी उसको फिल्माया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण, नवागत यानी नए आए हुए होने के कारण थोड़े बुराए हुए थे, यानी थोड़े बोरिंग थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काशफूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदार्द हो जाती, यानी जो लगातार सीन का चलना होता है वो समाप्त हो जाती। तो कवि यहाँ अपनी समस्या रखता है कि किस तरह से जो काशफूल थे कि कुछ दिन पहले उन्होंने सीन को चित्रित किया था, लेकिन आगे का सीन है वो 7 दिन बाद जब वो चित्रित करने जाते हैं यानी फिल्माने जाते हैं तो सारे काशफूल और जानवरों के द्वारा खा लिए जाते हैं और उन्हें बड़ी निराशा होती है। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की, यानी एक सप्ताह लेट जाने के कारण उन्हें एक वर्ष का इंतजार करना पड़ा। जब दोबारा से काश फूल खिले तब जाके वो सीन चित्रित किया गया, फिल्माया गया। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर से जाती हैं यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से भी रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय नील बाबू भी इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग के जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था, यानी कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी थी, ताकि काला धुआं निकले। सफेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। तो किस तरह से लेखक बताता है कि वहाँ पर जो रेलगाड़ियों की शूटिंग के लिए उन्होंने पिछले जो स्टेशन पर अपना एक अनिल बाबू नाम का जो आदमी था वो वहाँ उन्होंने बैठाया हुआ था, और कैसे वो रेलगाड़ी के इंजन के कैबिन में बैठ करके आता था, और शूटिंग जहाँ हो रही थी उसके पास आते ही बॉयलर में कोयला डाला जाता था कि काला धुआं निकले और काश फूलों के पृष्ठभूमि पर काले धुएं का जो सीन है वो अच्छा लगे। पथेर पंचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते।
कि उस सीन में हमने तीन अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, तो आपको पहले भी बताया है कि जो लेखक है तो सबसे बड़ी समस्या उनकी आर्थिक थी कि उनके पास पैसे की कमी थी। तो लेखक यहाँ उदाहरण देता है, मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है, यानी खाद्य पदार्थ। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है, वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर, निवाला यानी भोजन का टुकड़ा, बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि अब वह कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोड़ाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। तो लेखक परेशानी बताता है कि किस तरह से जो कुत्ते का जो सीन जो चित्रित किया गया था आधा वो हो जाता है, लेकिन जो बचा हुआ सीन है वो पैसों के अभाव में 6 महीने बाद उसको फिल्माने के लिए जाते हैं, तो उस समय भूलो नाम का कुत्ता जो प्रयोग किया गया था वो मर जाता है। लेकिन फिर एक अच्छी खबर मिलती है कि उसके तरह का ही एक दूसरा कुत्ता गाँव में है। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था, वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दूम का छोर भी भूलो के दूम की छोर जैसा ही सफेद था, दूम यानी पूंछ। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। तो यहाँ जो लेखक बताता है कि किस तरह से अलग अलग कुत्तों का प्रयोग करने पर भी दर्शक उसको पहचान नहीं पाते और जो फिल्म निर्माता का जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज का पाठ हमारा यहीं तक है, बाका जो बचा हुआ जो पाठ है हम अगले भाग में पढ़ेंगे।